दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। शुरुआती जांच में हार्ट अटैक की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इंजीनियर जब स्विमिंग कर रहा था तो उसके सीने में दर्द हुआ, जिसकी वजह से इंजीनियर स्विमिंग पूल में ही हाथ पैर मारने लगा। लोगों ने उसे स्विमिंग पूल से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। दिल्ली के बुराड़ी में निजी स्विमिंग पूल में डूबने से दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने लापरवाही का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं स्विमिंग पूल के अवैध तरीके से बनने की बात भी सामने आ रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्विमिंग पूल बनने से पहले इसकी परमिशन नहीं ली गई। गाजियाबाद के लोनी ट्रोनिका सिटी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घायल बदमाश दिलशाद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक बदमाश फरार होने में कामयाब हुआ। पुलिस के मुताबिक बदमाश एक युवक से लूटपाट करके भाग रहा था। उसी समय पुलिस ने बदमाशों को घेर लिया, जिसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश से तमंचा, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद की है। नोएडा पुलिस ने थाना 20 कोतवाली इलाके में सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया। इस अभियान के तहत पुलिस ने सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वाले 11 लोगों को गिरफ्तार किया। इस अभियान को चलाने से पहले पुलिस ने सादे कपड़े में पूरे इलाके का जायजा लिया। उसके बाद पुलिस ने सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों की धरपकड़ शुरू कर दी। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों को मेडिकल जांच के बाद जेल भेज दिया है।